अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के नींव मुहूर्त पर 5 अगस्त को राज्य के 55 मंदिर, मठ, आश्रम और तीर्थ क्षेत्रों की रजकण यानी कि पवित्र मिट्टी नींव में डाली जाएगी। विश्व हिंदू परिषद ने सभी स्थानों की मिट्टी एकत्र कर जमुना लाल बजाज मार्ग स्थित भारत माता मंदिर में रजकणों का पूजन किया। विहिप के संत महंतों, पद अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रजकणों पर पुष्प अर्पित किए। ये रजकण डाक से अयोध्या भेजे जाएंगे। इस मौके पर विभिन्न वक्ताओं राम मंदिर निर्माण के संघर्ष काल और विकास यात्रा पर विचार व्यक्त किए। संगोष्ठी को विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सहमंत्री नरपत सिंह शेखावत, विहिप के क्षेत्रीय मंत्री सुरेश उपाध्याय, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य सिया रामदास, विहिप के पूर्व संगठन मंत्री महंत डॉक्टर बसंतानंद महाराज, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष प्यारे लाल ने संबोधित किया। विहिप की मातृशक्ति प्रकोष्ठ की संयोजिका अनिता वैष्णव ने आभार प्रकट किया। संचालन विहिप के प्रांत मंत्री राम गोपाल शर्मा ने किया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन राजा राम ने बताया कि डाक से रजकण अयोध्या भेजी जाएगी। शिलान्यास कार्यक्रम में विहिप के 5 पद अधिकारी शामिल होंगे। ये सभी केंद्र से होंगे। आगे धन संग्रहण की जिम्मेदारी मिलेगी, विहिप उसके लिए तैयार है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठक राजा राम ने बताया कि जयपुर से मोती डुंगरी गणेश जी, गोविंद देव जी, गलता पीठ घाट के बालाजी, शीला माता, झूलेलाल मंदिर अमरापुर, त्रिवेणी धाम, शांकभरी माता सांभर, ज्वाला माता मंदिर जोगनेर, वीर हनुमान मंदिर सामोद, पंचखंड पीठ विराटनगर, सीकर जिले से खाटू श्याम जी, रेवासा पीठ जीण माता मंदिर, चूरू जिले से सालासर बालाजी, ददरेवा धाम राजगढ़, झुंझुनू जिले से रानी सती मंदिर, सूर्य मंदिर लोहारगढ़, शांकभरी माता मंदिर उदयपुरवाटी, अलवर जिले से भ्रतहरी धाम पांडुपोल, दौसा जिले से मेहंदीपुर बालाजी, करौली जिले से मदन मोहन जी मंदिर, केला माता मंदिर, सवाई मोधपुर जिले से त्रिनेत्र गणेश जी, टोंक जिले से डिग्गी कल्याण जी मंदिर की मिट्टी नींव मुहूर्त में शामिल की गई।